हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को देखा, जहां पर हम वायरलेस मीडियास के थ्रू, वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू कैसे सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते। सो आज हम बात कर रहे हैं इंफ्रारेड रेस के बारे में। अभी तक हम चार चीजें पढ़ चुके हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट और ब्लूटूथ। ये हमारा पांचवा टाइप है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज में मैं आपको बता दूं, अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखना है तो आपका टीवी और आपका रिमोट, ये जो है कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच का, वो इंफ्रारेड रेज है। आपने देखा होगा एक निश्चित दूरी तक अगर आप अपने रिमोट से अपने टीवी को कंट्रोल करना चाहते हैं, चैनल्स चेंज करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, वॉल्यूम कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो इजीली हो जाता है। वो रिमोट के अंदर कोई वायर नहीं लगा होता, पूरा वायरलेस तरीके से रिमोट आपका आपके टीवी को कंट्रोल करता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इंफ्रारेड रेस मतलब एक लिमिटेड एरिया के अंदर लाइट सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो उसके लिए आप इंफ्रारेड रेस का यूज करते हो। इसमें जो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर मतलब जो लाइट सिग्नल को भेजने वाला डिवाइस होता है, उसका जो पॉइंट होता है, उसका जो बल्ब होता है या लाइट सोर्स जो होता है, वो उन सिग्नल्स को कैच करने वाले डिवाइस के लाइट सिग्नल की सीधी लाइन में होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको टीवी और रिमोट के एग्जांपल से समझाऊं, तो जब तक आपका रिमोट सही डायरेक्शन में रखा है, आपने देखा होगा आप रिमोट जब सीधा पकड़ते हैं तो रिमोट के आगे एक छोटा सा बल्ब रहता है, एक छोटा सा लाइट सोर्स होता है। जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो तो लाइट सोर्स अपने सिग्नल्स टीवी के लाइट सोर्स तक, टीवी के बैकलाइट सिस्टम पे, टीवी की फ्रेम पर, वो एक जो छोटा सा बल्ब लगा रहता है जो टीवी के ऑन ऑफ होने का पता चलता है, जिससे रेड और वो ग्रीन होता है, जिससे पता चलता है, तो वो लाइट सोर्स रिमोट के जरिए भेजे गए लाइट सोर्सेस, लाइट सिग्नल्स को कैच करता है। तो ट्रांसमीटर बन जाता है आपका रिमोट और रिसीवर बन जाता है आपका टीवी। रिमोट के बल्ब से, रिमोट के लाइट सोर्स से भेजे गए सिग्नल्स टीवी का बल्ब, टीवी का लाइट सोर्स कैच करता है और उसके हिसाब से आपके चैनल्स भी चेंज होते हैं और वॉल्यूम भी कम ज्यादा होती है। इसके अंदर आपको एंटीनास की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि टीवी और रिमोट के बीच का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो विदाउट एंटीना होता है, यहाँ पर कोई एंटीना नहीं चाहिए होता है। सिंपल सी लाइट टेक्नोलॉजी होती है जहां पर लाइट सिग्नल्स को भेजकर टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं। टीवी रिमोट हो गया, वायरलेस स्पीकर भी ऐसे ही होते हैं, या आपने देखा होगा जो वायरलेस माउस आते हैं वो भी इसी टेक्निक पर काम करते हैं कि उनके अंदर से निकलने वाले लाइट सिग्नल्स मॉनिटर के लाइट सिग्नल्स के जरिए कैच किए जाते हैं और देन मॉनिटर आपका रिमोट के थ्रू कंट्रोल होता है, माउस के थ्रू कंट्रोल होता है, जो वायरलेस माउस आते हैं उसमें। सो ये इंफ्रारेड रेज जो है ये बहुत ही लिमिटेड एरिया कवर करती है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी को ये कवर नहीं कर पाएगी, बहुत ही कम दूरी को कवर कर सकती है। लाइक एक कमरे की अंदर ही इंफ्रारेड काम करती है, उसके आगे इंफ्रारेड रेस काम नहीं करती है। नाउ एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ये है कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है। आपने देखा होगा जो आपके रिमोट होते हैं वो सेल से चल रहे हैं या बैटरी से चल रहे हैं, उसके लिए आप चार्जर का यूज नहीं करते हो कि रिमोट बार बार चार्ज करना पड़ेगा, रिमोट बार बार चार्ज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल या बैटरी का यूज करते हो आप इसमें। सेकेंड थिंग, लैग सर्किट कॉस्ट। आपने देखा है जो रिमोट की सर्किटरी होती है वो कोई बहुत ऐसी खतरनाक नहीं होती, बहुत ज्यादा वायर्स और प्लेट्स का यूज नहीं किया जाता उस पर, बहुत सिंपल सा एक मैटलिक प्लेट होता है जिसपे आपके बटन्स के सिग्नल्स और सर्किट्स बने होते हैं, तो सर्किट बहुत कम यूज होता है, तो सर्किट का जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। थर्ड थिंग, जो डेटा है वो बाईडायरेक्शनल ट्रांसफर होता है, मतलब अगर रिमोट का सिग्नल टीवी को मिल रहा है तो टीवी के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स भी आपके रिमोट को मिल रहे हैं, दोनों डायरेक्शन से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इंफ्रारेड रेस के डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। पहला डिसएडवांटेजेस तो यही है कि जो कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स आपका जो रिमोट और टीवी है या जो भी रिमोट से कंट्रोल होने वाला डिवाइस है, वो उस रिमोट की सीध में होना चाहिए। अगर सीध में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, तो ही आपका डिवाइस कंट्रोल हो पाएगा, अदरवाइज उसे सिग्नल ही नहीं मिल पाएगा,
और जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो कंट्रोल नहीं होगा। सेकेंड थिंग, क्योंकि एक कमरे तक का डिस्टेंस ही इंफ्रारेड रेस कवर करती है, एक कमरे के अंदर ही इंफ्रारेड रेस काम कर सकती है, उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती है। तो अगर आपको बहुत दूरी पर अपना डेटा सेंड करना हो या लाइट सिग्नल सेंड करने हो तो आप अपनी इंफ्रारेड रेस को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, उस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, जैसे आपके टीवी के रिमोट और टीवी के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई वॉल है, कोई सामान रखा है, कोई पर्सन आके खड़ा हो गया, तो आपका रिमोट फिर काम करना बंद कर देगा। मतलब आपका जो रिमोट है वो सिग्नल्स भेजेगा तो सही, पर वो टीवी तक पहुंच नहीं पाएंगे उन ऑब्स्टेकल्स की वजह से, उन रुकावटों, उन अवरुद्धों की वजह से। तो उसके कारण सिग्नल जो है, जो भेजने का कंटिन्यूशन होता है, वो डिस्टर्ब होता जाता है, सिग्नल पूरी तरह से पहुंच नहीं पाते और देन आपका रिमोट या जो कंट्रोलेशन है टीवी पर वो काम नहीं करता है। सो ये इंफ्रारेड रेस का टॉपिक जो था बहुत छोटा सा था, बट ये आता है एग्जाम में। आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो चार मेन चीजें आती है एक्सप्लेन करने के लिए, सैटेलाइट, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड रेस, लेजर और वाईफाई। ये पांच जो टाइप से आपके ट्रांसमिशन मीडिया, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में ये पांच टॉपिक सबसे ज्यादा आते एग्जाम में। तो आपको इन पांचों टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिनमें से हम इंफ्रारेड रेस, ब्लूटूथ पढ़ चुके हैं, अब सैटेलाइट पढ़ चुके हैं, अब हमें वाईफाई और लेजर, इन दो टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए तो आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें आपको इंफ्रारेड रेज में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी या कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।